कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फैली आपके यहाँ विषय विज्ञान का ठीक है मासिक परीक्षा पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें बिल्कुल आपके यहाँ पर रियल पेपर ठीक है वो यही पेपर आपको स्कूल में मिलेगा। और साथ ही आप 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, आप 20 में 20 नंबर लाएंगे और टॉप भी करेंगे ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो आपको ध्यान से देखना है। तो पहला आता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो आपका इसका यहाँ पर अवस्था आता है 2 और ब आता 3, 7 9 और द आता 7। तो जो आपकी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो आपकी 3 होती हैं, तो 3 आपका करेक्ट आंसर है पहली का ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता वायु 1 बिलियन है, तो इसका आपका यहाँ पर अवस्था आता गैस में गैस का और बात है गैस में द्रव का, सात है गैस सॉरी द्रव व गैस में, फिर आपका दाता द्रव का हवा में। तो जो आपके यहाँ पर दिया वायु 1 बिलियन है तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा गैस में गैस का ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें आपको ध्यान से याद करते जाना ठीक है, आप याद करते जाइए इसी वीडियो को ध्यान से देखिए और याद करते जाइए। साथ ही आपका तीसरा आता जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो इसका आपका यहाँ पर आवश्यक था ऊतक, बाता गुणसूत्र, साता जीन है और दाता कोश का, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा कोश का करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे का। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं, तो प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, इसका आंसर आपका चाल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो सही विकल्प वो कम्प्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थान, तो पहला था कोलाइड बिलियन द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलना डॉट कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका टिंडल प्रभाव ठीक है। टिंडल प्रभाव आपका करेक्ट आंसर रहने वाला पहले रिक्त स्थान का ठीक है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, फिर दूसरा आता है समसूत्रि विभाजन डॉट कोशिकाओं में होता है, तो यहाँ पर समसूत्रि विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में ठीक है, कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्रि विभाजन। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है ठीक है, त्वरण आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट। अब आते हैं आपके प्रश्न 3, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपका पहला था दाब का ऐसा ही मात्रक होता है आपका पास्कल ठीक है, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, तो पास्कल आपका पहले का आंसर है। फिर आपका दूसरा था माइटोकॉन्ड्रिया का एकल लिखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रोटीन का संश्लेषण करना ठीक है, आप हमने लिख दिया प्रोटीन का संश्लेषण करना, जो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहेगा वो रहेगा प्रोटीन का संश्लेषण करना। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा प्रश्न आता है तत्व एवं एकक में आपको दो अंतर लिखना है, अथवा आता मिश्रण एवं एकक में दो अंतर लिखिए, जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप प्रश्न देख लीजिए, समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए अथवा आता विषमांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। फिर आपका छठा आता गर्मियों हमें घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, और अथवा आता गर्मियों हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। फिर आपका सातवां आता समसूत्रि विभाजन एवं अशुद्धि विभाजन के मध्य कोई चार अंतर लिखना, इसका अथवा था प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य चार अंतर लिखिए। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपके प्रश्न चौथे से लेकर जो प्रश्न 7 है इनके आंसर हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इरा आपका तत्व और एकक में अंतर ठीक है, आपका प्रश्न चौथी का उत्तर हो जाता है। आपको तत्व और एकक में दो अंतर लिखने थे, तीन अंतर यहाँ पर दिए, तो कोई दूर आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जो आपका चौथी का अथवा दिया गया था जिसमें आपको मिश्रण और एकक में अंतर लिखना था, तो ये आपको मिश्रण और एकक में अंतर है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 5 का उत्तर, आपको बताना था कि समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो आप यहाँ पर वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है ठीक है। और साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे नमक का जलीय विलयन और कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, यह आपका प्रश्न 5 का उत्तर, और ये आपका प्रश्न 5 का अथवा का उत्तर ठीक है। जिस मिश्रण के विभिन्न विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं ठीक है। इस तरह से आपका 5 का अथवा का आंसर कंप्लीट हो जाता है, पूरा याद करना है। और ये आपका प्रश्न 6 का उत्तर, जो आपका दिया था गर्मियों हमें ठीक है, आपको जो यहाँ पर दिया गया था गर्मियों हमें ठीक है मटकी का पानी, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था ठीक है, तो उसी का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए रहा, गर्मी में वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है, घड़े में छोटे छोटे रंध होते हैं जिसमें पानी धीरे धीरे इस तरह था, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये 6 का उत्तर हो जाता है, और ये आपका 6 का अथवा का उत्तर, जो आपका प्रश्न दिया था हमें गर्मियों में ठीक है सूती कपड़े या ठीक है सफ़ेद रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ये आपको उसी का उत्तर है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका 6 का अथवा का उत्तर, और ये आपका 7 का
उत्तर हो जाता है, ठीक है। समश्रुति विभाजन और अश्रुति विभाजन में अंतर है, ये आपके चार अंतर दिए हैं तो कोई दो याद कर लेना है, सॉरी आपको चारों चारों अंतर लिखना था, ठीक है। आपको चार अंतर लिखना है, पांच अंतर दिए हैं तो इसमें से आपको चार लिखना है। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए आपका सातवीं का अथवा का उत्तर, जिसमें आपको प्रोकैरियोटिक कोष का यूकैरियोटिक कोष का में आपको यहाँ पर अंतर लिखना था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रोकैरियोटिक कोष का एक कोष की होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोष का बहुकोष की होती हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए प्रोकैरियोटिक कोष का में एक झिल्ली होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोष का में दो झिल्ली होती हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर अंतर दिए तो पूरा याद कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको सभी विषय का सॉल्यूशन हमारे चैनल में मिल जाएगा और सभी पेपर हम डाल चुके हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर सभी पेपर देख सकते हैं। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।